तो गाइज आज की जो वीडियो में बात करेंगे गाइज आप पीछे देख ही सकते हैं जो गाइज मेरा बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, जो मतलब बैकग्राउंड का मतलब यार जो स्काई है चेंज हो रहा है। तो दोस्तों ये जो स्काई चेंज आप कैसे करेंगे, तो दोस्तों इस वीडियो को आपको फुल वॉच करना है, तभी गाइज आपको बहुत सारा लिंक वगैरह कहाँ से मिलेगा वो भी गाइज हम बात करेंगे, आपका स्काई वगैरह आप गाइज कहाँ से डाउनलोड करेंगे, किस तरह से दोस्तों आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए गाइज आज की ब्लॉग में वही बात करेंगे, क्योंकि गाइज जो ब्लॉग है आप लोगों तो यार कोई भी और वीडियो नहीं देखते, बस आप लोगों के साथ यार कोई भी ब्लॉग के बारे में वीडियो बनाएंगे तो दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जो स्काई चेंज करने वाला वीडियो आज हम बना लिए, और फिर से जो गाइज आप लोगों को दिखाने वाला है स्काई चेंज आप कैसे कर सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों अगर आप चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऊपर सेट कर देना, अपने फ्रेंड को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गाइज शेयर कर देना। मिलते हैं गाइज अभी मोबाइल में और आपको दिखाते हैं कैसे आप एडिटिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो गाइज कैपकार्ट है और गाइज VPN है। तो दोस्तों जो VPN है ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में, आपको दोस्तों VPN को प्ले स्टोर से ले लेना है, और जो गाइज कैपकार्ट है ये आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। इसके लिए दोस्तों आपको क्रोम ब्राउज़र में जाके इसको गाइज आपको डाउनलोड कर लेना APK मोड को, और जैसे गाइज आप इसको ओपन करेंगे आपके पास दोस्तों कुछ इस तरह का पहले इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको अलाउ कर देना है अपना जो गाइज स्टोरेज होगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर जो न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन होता है बस आपको इसके ऊपर जाना है, और दोस्तों फर्स्ट आपको फोटो के ऊपर चले जाना है, ठीक है। और फोटो में जाने के बाद गाइज कोई भी आपको बैकग्राउंड के लिए दोस्तों एक फोटो ले लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, और इस बैकग्राउंड को लेने के बाद आपको गाइज फर्स्ट तो यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में जो गाइज एंडिंग पार्ट आता है इसको गाइज आपको डिलीट कर देना है, और ये जो गाइज आपका फोटो होगा इस फोटो के लिए गाइज आपको फोटो के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों आपको इस जगह पे क्लिक करना है, और गाइज लास्ट में आ जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा फॉर्मेट का ऑप्शन, तो इसी फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना है। और दोस्तों आपको यहाँ पर यूट्यूब के लिए 16:9 को आपको सिलेक्ट कर लेना। तो देख सकते जो गाइज यहाँ पर आ चुका है, अभी हम क्या करेंगे फिर से जो गाइज यहाँ पर फोटो है गाइज इस फोटो के ऊपर क्लिक करके कुछ इस तरह से दोस्तों मैं जूम कर दूंगा, ठीक है। इसका गाइज कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसी ले मतलब जो कोई भी बैकग्राउंड देने के लिए। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है इसका ड्यूरेशन को जो गाइज आपको कर देना, जितना सा आपको स्काई देना है बस उतना सा आपको कर देना। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इतना सा कर देता हूँ। उसके बाद जो गाइज आप फास्ट में आ जाएंगे, और फास्ट में आ जाने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर आ जाना ओवरले के ऑप्शन में, और ओवरले में जाने के बाद जो गाइज यहाँ पर देखेंगे तो एड ओवरले का ऑप्शन आता है, बस इसके ऊपर क्लिक करना है। और जो गाइज आपने मोबाइल से वीडियो को शूट किया था उस वीडियो को दोस्तों आपको ले लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एग्जाम्पल के लिए मेरा जो गाइज वीडियो था उसी वीडियो को ले रहा हूँ, और मैं गाइज क्या करूँगा कुछ इस तरह से दोस्तों देख सकते थोड़ा सा यार मतलब क्या बोलेंगे इसको मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से स्प्लिट कर देना है, नीचे आगे देखेंगे तो दोस्तों स्प्लिट का ऑप्शन आता है, बस उस जगह से आपको स्प्लिट करके जो सामने का अगर आपका एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसको गाइज आपको इस जगह से डिलीट कर देना है। तो गाइज आपको शायद समझ में आ जाए जो गाइज मैं आपको बता रहा हूँ वो सब समझ में आ रहा है, तो आपको दोस्तों इसको कुछ इस तरह से एकदम गाइज आपको फर्स्ट में कर देना। देख सकते जो गाइज फर्स्ट में आ रहे हैं, और फर्स्ट में आ जाने के बाद आपको एकदम नीचे का वीडियो जो गाइज खुद का वीडियो के बाद गाइज आपको टच करना है, और इसको जो गाइज आपको थोड़ा सा कुछ इस तरह से बड़ा कर देना, ठीक है। ये काम आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो गाइज आता है यहाँ पर देख सकते हैं कटआउट का ऑप्शन, ठीक है, डिलीट के जो गाइज आपको बीचों बीच आपको मिल जाएगा कटआउट का ऑप्शन, बस इस कटआउट के ऊपर क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा कुछ आ जाता है देख सकते हैं, आपको गाइज क्या करना है आपको दोस्तों यहाँ पर जो क्रोमा की आता है बस इसके ऊपर क्लिक करना है, और ये जो गाइज क्रोमा की का ऑप्शन आता है इसको गाइज आपको एकदम ऊपर में कर देना, ठीक है, स्काई के ऊपर। और यहाँ पर दोस्तों सेकंड नंबर पर जो आता है उसके ऊपर क्लिक करके आपको जो गाइज थोड़ा सा कुछ इस तरह से जस्ट इतना सा देना है। उसके बाद दोस्तों आपको चले जाना है गाइज थर्ड नंबर के ऊपर, और इसको गाइज आपको कुछ इस तरह से दे देना एकदम फुल कर देना, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अभी जो गाइज आपका काम आता है वो गाइज आपको यहाँ से बैक करना है, और बैक करने के बाद फिर से आपको एड ओवरले के ऊपर क्लिक करना है। और ये जो गाइज ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगा इस वीडियो को देख लीजिए। तो गाइज ऐसे वीडियो लेने के लिए आपको दोस्तों YouTube में आना है, और YouTube में आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है स्काई वीडियो बैकग्राउंड। जैसा आप इसको सर्च करेंगे आपको दोस्तों यहाँ पर सर्च करने के बाद आपके पास दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा देख सकते हैं। तो दोस्तों जो सेकंड नंबर पे आता है इसको कहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप रील्स के लिए ये वाला डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और एक आ गया, मतलब ऐसे करके गाइज बहुत सारा आता है, ठीक है। तो आपको गाइज क्या करना है, जैसे गाइज मैं ये वाला वीडियो को लेने वाला हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आ जाता है शेयर का ऑप्शन, तो जैसे आप शेयर में जाएंगे यहाँ पर कॉपी लिंक का ऑप्शन आता है, आपको दोस्तों कॉपी लिंक करना है। क्रोम ब्राउज़र में जाके आपको दोस्तों वहाँ पर सर्च करना है YouTube MP3, ठीक है। जैसे YouTube MP3 आप सर्च करेंगे आपके पास दोस्तों बहुत सारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा, आपको दोस्तों जो कॉपी किया तो उसको पेस्ट करना है, और दोस्तों आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। देख सकते हैं मैंने जो गाइस ये वाला वीडियो ले लिया। उसके बाद जो गाइस आपको यहाँ पर मिल जाएगा देख सकते हैं क्रॉप का ऑप्शन इस जगह पे एडिट के ऊपर, ठीक है, लेयर के पास में जो गाइस आपको मिल जाएगा देख सकते हैं एक्स्ट्रा ऑडियो है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एडिट में चले जाना है, उसके बाद क्रॉप में जाके जो गाइस आपको थोड़ा सा क्रॉप करना है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से राइट करके जो गाइस आपको इसको जूम करके एकदम गाइस आपको ऊपर में कर देना है बस इतना सा, और इतना सा करने के बाद सिंपल से बैक करना है। उसके साइड में दोस्तों आपको मिल जाएगा लेयर, बस आपको लेयर में जाना है, और गाइस देख सकते लेयर 1 में नहीं है गाइस, लेयर 2 में है, तो आपको लेयर 1 में कर देना। जैसे गाइस आप लेयर 1 में कर देंगे जो गाइस लेयर का वीडियो पीछे चला जाएगा, और कुछ इस तरह का दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएगा नजारा, बस आपको इतना सा देना है। उसके बाद फिर से आपको स्प्लिट करके गाइस इस पार्ट को आपको यहाँ से डिलीट कर देना है, फिर से आपको ओवरले के ऊपर चले जाना है, और भी गाइस आपको कुछ देना है तो फिर से यहाँ से आप
गाइज आपको क्या करना है, गाइज आपको स्काई का जो गाइज आपको बैकग्राउंड उसको ले लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो गाइज यहाँ पर ऊपर में कर देना है, सिंपल से बैक करके लेयर में जाके आपको गाइज लेयर वन कर देना है। यहाँ पर गाइज अगर मैं वीडियो को प्ले करूंगा तो गाइज अभी जो हमारा वीडियो कुछ इस तरह का लगेगा। तो सेम टू सेम गाइज आपका स्काई का जो गाइज कलर होगा वो एकदम गाइज एकदम एक नंबर होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल सा, क्योंकि गाइज थोड़ा सा भी रहेगा देख सकते जो गाइज हमारा थोड़ा सा गाइज यहाँ पर रहा तो गाइज कुछ इस तरह का नजारा थोड़ा सा दिख रहा है। तो आपको गाइज प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है, स्काई को गाइज एकदम आपको क्लियर लेना है और कुछ इस तरह से दोस्तों अपने वीडियो को बना के अपने ब्लॉग में अपलोड कर देना है। तो दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना यार, जरूर बताना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और गाइज सब्सक्राइब करने के बाद हमारे जो इंस्टाग्राम उसको भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।